नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 12 मई को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक तय हो गई है। नीतीश कुमार की अगुवाई में 18 दलों के नेता बीजेपी के खिलाफ 2024 की लड़ाई की रणनीति बनाएंगे। बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करने के लिए मंथन होगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में तो पीएम की कुर्सी के लिए वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता से भी विदा होने वाले हैं। बारह तारीख को डेट निर्धारित की गई है और नीतीश कुमार जी उसका नेतृत्व करेंगे। पूरा देश जब नई संसद की भव्य और दिव्य तस्वीर को निहार रहा था, बीजेपी नई संसद के जरिए नए भारत का संकल्प ले रही थी, तभी बिहार की सत्ताधारी पार्टी आरजेडी ने संसद के नए भवन की तुलना ताबूत से कर दी। शाम होते ही परिवर्तन की धरती पटना में विपक्षी जुटान का ऐलान हो गया। नीतीश कुमार के अरमानों को नया जहान मिल गया। 12 जून की तारीख भी पक्की हो गई, लेकिन इस घोषणा से बीजेपी की त्योरियां चढ़ गई। संसद भवन की ताबूत से तुलना को लेकर आरजेडी पर आग बबूला बीजेपी ने बिहार को नीतीश सरकार से मुक्ति का भी आह्वान कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आग्रह पर पटना में होने जा रही इस बैठक को लेकर बयानबाजियां तेज हो गई। राजद ने अपनी मानसिकता जाहिर किया है। देश की जनता और बिहार की जनता उसी ताबूत में राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को 24 और 25 में बंद करने का काम करेगी। अपराधी तांडव कर रहे हैं और नीतीश बाबू आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। मतलब एक ही गांव में कई हत्या हो रही है, कुछ नहीं हो सकता। अब नीतीश कुमार जी से ही मुक्ति के बाद बिहार में अपराधी शांत हो सकते हैं। जो लोग नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, वही नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करते हैं। नीतीश कुमार जी कोई भी काम करते हैं वो बजाबता ठोक बजा के करते हैं और बजाबता बातचीत करके उसको पूरा, जैसे जो लोग बहुत नज़दीक से नीतीश कुमार को जानते हैं उनको पता है कि हाउ फर्म ही इज़ ऑन हिज डिसीजंस, कितने अपने निर्णयों पर कितना फर्म रहता है। और हम समझते हैं विपक्षी एकता के लिए जो एफर्ट नीतीश जी ने किया है वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। ये विपक्षी दल की एकता नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की एकता है। और तमाम भ्रष्टाचारी देश की एकता अखंडता के प्रति गंभीर नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से आज भाजपा के राष्ट्रवाद पर चोट कर रहे हैं। देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है जिसका नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में भ्रमण करके हर राज्यों में जो भी एक विचारधारा की पार्टी है उन विचारधारा वाले पार्टियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों को इसमें अब तक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जैसे नीतीश जी बिहार में हैं, मुझको नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बिहार के नेता हैं, वो बिहार के 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। 18 वर्षों से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी एक बिहार जैसे स्टेट में अपना बहुमत नहीं जुटा सके, सब दिन बैसाखी के सहारे सरकार चली। नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ते ही बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया था और लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने का अभियान शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में नीतीश कुमार ने 2 बार दिल्ली का दौरा किया, राहुल, खड़गे और केजरीवाल से मुलाकात की, तो वहीं कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात कर उन्हें इस मुहिम का हिस्सा बना लिया था। नीतीश की इस मुहिम में तेजस्वी यादव भी उनके साथ रहे, लेकिन रविवार को केरल के कोझिकोड में तेजस्वी यादव के एक बयान ने बीजेपी का गुस्सा और बढ़ा दिया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ मंच साझा करते हुए तेजस्वी ने बीजेपी को धर्मनिरपेक्षता और संविधान के लिए खतरा बता दिया। By uniting our supporters, we can create a more formidable political force to challenge the domination of BJP, which is not only anti-people, but against the constitution of India. They are good at only causing religious polarization, throwing seeds of hatred, and the nation has already paid a heavy price because of this. नीतीश कुमार ने जब से बीजेपी को बिहार की सत्ता से पैदल किया तब से बीजेपी बिहार को तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार से मुक्ति दिलाने की मुनादी कर रही है, लेकिन दिल्ली में नौकरशाहों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र के साथ तनातनी ने केजरीवाल को भी इस विपक्षी मुहिम का हिस्सा बना दिया। विपक्षी खेमा कम से कम कागज पर जरूर मजबूत हो गया। यही वजह है कि बीजेपी के निशाने पर आए नीतीश कुमार के लिए केजरीवाल की पार्टी भी ढाल बन गई।
नीतीश से बीजेपी की लड़ाई विपक्ष बनाम बीजेपी हो गई। दिल्ली से कोलकाता तक दोनों खेमों की पलटन आमने सामने हो गई। नीतीश जी और ममता बनर्जी दोनों का जमीन पिछड़ जा रहा है ना, तो उसे पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अभी देखते जाइए, ममता बनर्जी का साथ जो भी देता है उसका उसका फ्यूचर एकदम खत्म हो जाता है। तो यही होने वाला है, ममता बंदोपाध्याय के साथ जाएगा तो फेक है, वो लोग डूबेगा ही डूबेगा। और कौन बनेगा 12 दिन में 12 प्राइम मिनिस्टर, कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी को पब्लिक ने चॉइस कर लिया, पब्लिक ने पसंद कर लिया, 2024 का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ममता जी से कई सारे पार्टीज को बात चल रही थी, नीतीश कुमार जी खुद आए थे और सारा सीनियर लीडर्स यहाँ पर आए थे। ममता जी एक इम्पोर्टेंट लीडर है, ऑपोजिशन का फेस है, और 2021 के बाद ममता बनर्जी एक न्यूक्लियस बन चुका है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी डेली पैसेंजरी करने के बाद भी भाजपा ने यहाँ पर भाजपा को हमने हरा दिया, तो उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी एक अलग तरीके से, पहले ही से ही उनका एक पॉपुलैरिटी देश में था, अलग इम्पोर्टेंस हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 12 जून को पटना में विपक्षी एकता को लेकर होने वाली इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल, सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई महासचिव डी राजा भी शामिल होंगे। हालांकि अभी सभी नेताओं की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि पटना में होने वाली विपक्षी दलों की ये बैठक और भी बड़ी हो सकती है और ये विपक्षी एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन भी बन सकता है। दिल्ली से रमन कुमार के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज 24।